गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहिनी जायसवाल। आज आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर का आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसका एक टॉपिक बताऊंगी सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामर को एप्लीकेशन और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। ये इनके मुख्यतः उदाहरण हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को तीन पार्ट में बांटा गया है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर क्या होता है? यह ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने के साथ सिम्बॉलिक एड्रेस को भी मशीन एड्रेस में बदलता है। यह प्राथमिक मेमोरी में प्रोग्राम के लिए स्थान आरक्षित करता है, सोर्स प्रोग्राम में उपस्थित इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस को बता देता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को डिस्क और टेप में स्टोर भी करता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन असेंबलर और इंटरप्रेटर में बस एकमात्र अंतर है, असेंबलर पूरे पेज को एक साथ पढ़कर लैंग्वेज में मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है एक एक लाइन को पढ़कर असेंबली मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें एक त्रुटि भी है कि किसी भी लाइन में अगर इसको त्रुटि दिख जाती है या मिल जाती है तो वो सारे प्रोग्राम को वहीं पे रोक करके आपको एरर शो करता है। जब तक कि आप उसके एरर को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। इसका थर्ड पार्ट है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? एक अन्य प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को एक एक कथन को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट ना करके संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यदि प्रोग्राम में कोई त्रुटि होती है तो प्रोग्राम की एक लिस्ट बना लेता है, उन एरर्स की एक लिस्ट बना लेता है जिसके माध्यम से वे सोर्स प्रोग्राम के तुल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बनाता है, जिसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। ये क्या क्या कार्य करता है? सोर्स प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यदि प्रोग्राम अलग अलग टुकड़ों में होता है तो उनको आपस में लिंक कर देता है। प्रोग्राम के लिए मेन मेमोरी में स्पेस और स्थान बनाता है, मैग्नेट टेप या डिस्क पर ऑब्जेक्ट फाइल को बनाता है। इसके बाद आप लोगों का है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। लिंकर क्या होता है? यदि हम प्रोग्राम के लिए आवश्यक सभी फंक्शंस या सब प्रोग्राम्स को मेन प्रोग्राम में लिखकर कंपाइल करें तो समय अधिक लगता है। इस लिंकर का क्या काम होता है? ये प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स को एक ही फंक्शन के अनेक प्रोग्राम की जिससे कि एक ही प्रोग्राम के अनेक प्रोग्राम की रिपीटेशन होता है, जिससे मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लगता है। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में बांटकर अलग अलग कंपाइल करते हैं लिंकर्स। लिंकर्स इन सभी सब प्रोग्राम्स और प्रोग्रामों के में प्रयोग होने वाले सब रूटीन को मेन प्रोग्राम में जोड़ देते हैं और लिंक कर देते हैं। लिंकर अलग अलग कंपाइल किए हुए प्रोग्राम सब रूटीन के ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर देते हैं। अंत में ये एग्जीक्यूट कर सकने वाले संपूर्ण प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड प्रस्तुत करते हैं। लिंकर के द्वारा कंपाइल का समय तो बचता ही है, क्योंकि किसी एक सब प्रोग्राम में परिवर्तित करने पर केवल उस सब प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना पड़ता है, ना कि पूरे प्रोग्राम को। इससे अतिरिक्त मेमोरी स्पेस भी बचता है, क्योंकि प्रोग्राम छोटे आकार का होता है तथा एक सब रूटीन एक ही फाइल में ना होकर फाइल में होता है, ना कि अनेकों प्रोग्राम में। इसका अगला टॉपिक है लोडर। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली में लिखे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर, लिंकर व लोडर एक साथ काम करते हैं, क्रम में काम करते हैं। लिंकर कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को एक साथ जोड़कर उसे एग्जीक्यूट करने योग्य बनाता है, तथा लोडर उस क्रियान्वित मतलब एग्जीक्यूटेड हो सकने वाले प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाता है। इस क्रिया को लोडिंग या लोड करना कहते हैं। लोडिंग के पश्चात ही उसे सीपीयू में एक्सेस करता है। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताएंगे।
एक वीडियो और लगेगा, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इन पेजेस को बार बार रीड करते रहिए और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एट लास्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उसके नोट्स इनसे देख के लिखिए, इसी तरीके से आप तैयारी करते। बस आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।